अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस्टी का नाना है, लास्ट एक्शन हीरो है वो। एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद क्या हुआ था सलमान के किरदार के साथ? क्या मनीषा से की थी उन्होंने जबरदस्ती शादी? कौन है राधा के बच्चे का पिता? 1996 में आई फिल्म मजदार भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हो, भले ही मेकर्स ने इसका इल्जाम लोगों पर लगा दिया हो, लेकिन ये सच है कि फिल्म की कहानी वाकई बड़ी खास थी। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आइए आज हम आपको बताते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत कृष्णा से होती है, जो शांति से बात कर रहा होता है। उसे एक लेटर मिलता है और उसे एहसास होता है कि वह लेट हो रहा है और किसी से उसे मिलने जाना है। इसके बाद वह एक घर में पहुंचता है जहां गोपाल अपना आखिरी समय गिन रहा होता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। आपको बता दे कि कहानी तीन बचपन के दोस्तों कृष्णा, राधा और गोपाल की है। गोपाल एक अनाथ है। कृष्णा और राधा एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि गोपाल भी राधा से प्यार करता है। गोपाल पैसा कमाकर ताकतवर बनना चाहता है ताकि वापस लौटने पर वह अपने प्यार का इजहार कर राधा से शादी कर सके। हालांकि जब वह बाहर जाता है तब कृष्णा और राधा बहुत नजदीक आ जाते हैं, जिसके बाद राधा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद कहानी में गोपाल की वापसी होती है। राधा जो अभी भी कृष्णा से प्यार करती है, वह गोपाल के लिए अपनी कोई भी फीलिंग्स नहीं समझ पाती। यही सब बातें गोपाल के लिए अच्छी साबित होती है और वो राधा से शादी करने में सफल रहता है। हालांकि गोपाल को राधा की प्रेगनेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। क्या वह राधा को छोड़ देगा या फिर निभाएगा उसका साथ? क्या हुआ कृष्णा के साथ? इन सवालों के जवाब तो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। हालांकि फिलहाल बात मजदार 2 की करते हैं। जी हाँ, फिल्म का एक रीमेक बन रहा है जिसमें कहानी में कुछ मामूली बदलाव कर इसे दोबारा बनाया जाएगा। फिल्म में विक्की कौशल और आदित्य सील मेल लीड में रहेंगे। बात अगर फीमेल कास्ट की जाए तो मनीषा कोइराला जो पिछली फिल्म में थी वो एक खास रोल में होगी, जबकि लीड रोल के लिए मेकर्स ने कैटरीना कैफ से भी बात की थी, जिन्होंने डेट्स की कमी के कारण फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया है। अगर वे इस फिल्म को अपना लेती तो विक्की और कैटरीना की रियल जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखना वाकई दिलचस्प होता। खैर, अब कौन उनकी जगह लेगा ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत।